सुबह सुबह मीनाक्षी सतरंगा दुपट्टा लिए जैसे ही कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी उसकी भाभी सोनिया उसे पीछे से आवाज देती है। रुक जाइए नाना जी। क्या है भाभी, पीछे से आवाज क्यों दे रही हो? आपको किसी ने सिखाया नहीं है क्या कि कोई जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं दी जाती? मुझे तो पता है कि आवाज नहीं देनी चाहिए, लेकिन शायद आपको भी किसी ने नहीं सिखाया कि बिना पूछे किसी की चीज लेनी भी नहीं चाहिए। आपका कहने का मतलब क्या है? ये बात तो आप अच्छे से जानती हो, आपने किससे पूछकर मेरा दुपट्टा लिया है? अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, मुझे क्या पता आपका है? पता तो वैसे आपको सब कुछ होता है नाना जी, लेकिन जानबूझकर आपको बस मेरी चीजों पर अपना हक जताना आता है। ये दुपट्टा मेरी माँ ने मुझे प्यार से दिया था, इस दुपट्टे को मैंने एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया है, और आप हो कि लेकर चलती बनी। अच्छा, मायके से आए इसलिए इतना अकड़ है? जी हाँ, अकड़ रही हूँ। चलो, पहली बार आपके मायके से कुछ तो ढंग से आया। अरे मायके वाले ना हमेशा ही ढंग का देते हैं, लेकिन आप हो ना कि एक तो मेरी चीजों को इस्तेमाल करती हो और ऊपर से मेरे मायके वालों की बेइज्जती भी करती हो। चुपचाप मेरा ये दुपट्टा उतारो और कोई और दुपट्टा लेकर चली जाओ। दुपट्टे को लेकर दोनों ननंद भाभी में काफी बहस होती है, तभी वहाँ पर सोनिया की सास सविता आ जाती है। अरे तुम दोनों ने सुबह सुबह यहाँ क्या मच्छी बाजार लगा रखा है? माँ जी आप अपनी बेटी से ही पूछिए ना। माँ जी देखिए, एक तो ये मेरी चीजों का इस्तेमाल करती है, ऊपर से मेरे मायके वालों को उल्टा सीधा कहती है। उल्टा सीधा कुछ नहीं है, जो है वही कह रही हूँ। उन दोनों की बात सुनकर सविता गुस्से में कहती है, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम नंद भाभी से, रोज रोज बहस करती रहती हो, कभी किसी बात को लेके तो कभी किसी बात को लेके। अरे तुम दोनों मिलकर प्यार से क्यों नहीं रहती हो? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर नहीं रह सकती तो रोज रोज की बहस करना बंद कर दो, सुबह सुबह सर दर्द होने लग जाता है मेरा। इतनी बहस के बाद भी मीनाक्षी सोनिया का दुपट्टा उसे वापस नहीं देती और उसे ओढ़कर कॉलेज चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन हर दिन दोनों ननंद भाभी की कभी मायके वालों को लेकर, तो कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी किसी और चीज को लेकर बहस हो ही जाया करती। और ऐसे ही एक दिन लोग बैठकर डिनर कर रहे थे और आज का डिनर मीनाक्षी ने बनाया था, तभी दम आलू खाते हुए सोनिया बोलती है, इस दम आलू में ना इतना स्वाद नहीं आया, दम आलू तो मेरी बहन बनाती थी। हाँ हाँ, आपकी बहन तो जैसे कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक बार खाया था आपकी बहन के हाथ का खाना, मेरा तो मुंह ही जल गया। कोई बात नहीं, नमक ज्यादा था, फिर भी इससे ज्यादा ही स्वाद था। हाँ हाँ, आपको तो अपने मायके वाले को तारीफ करने का बस मौका चाहिए होता है। तरफदारी तो करूँगी ही ना, जब मेरी बहन बनाती ही अच्छा खाना है। खाना तो मैं भी अच्छा बनाती हूँ, बस खाने वाले का मुँह और नीयत अच्छी होनी चाहिए। मेरा मुँह अच्छा है तो नीयत भी साफ है। हाँ भाभी, आपका तो मुँह इतना अच्छा है जैसे कि भारतीय रेलवे का टॉयलेट। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारा मुँह ही होगा टॉयलेट जैसा। हाँ है ना, वो भी फर्स्ट क्लास टॉयलेट के जैसा, आपको कोई दिक्कत? लगातार 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे को बिना बात के बम छोड़ती हुई चली जाती हैं। और तभी सोनिया का पति संजय उससे बोलता है, अरे यार क्या कर रही हो तुम लोग, ये खाने समय ऐसी बातें कौन करता है, शर्म तो आती नहीं है दोनों को, मेरा मन खराब हो गया तुम दोनों के कारण। माँ समझा लो इन दोनों को। आपकी बहन ने ही शुरू किया था, इसे ही बोलो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसे। आपका तो मुंह सिला हुआ है, छोटे बच्चों के तो अंगूठा चूसती हो ना आप तो। बेटा इन दोनों को समझाना बहुत बेकार है, इन दोनों का मुंह नहीं रुकने वाला, ये नंद भाभी इस दुनिया में बहस करने के लिए ही आई हैं। हाँ हाँ, वैसे भी आपकी बेटी कोई मौका जाने थोड़ी ना देती है मुझसे बहस करने का। तो आपका कौन सा खाना पसता है मुझसे बहस किए बिना? एक काम क्यों नहीं करती दोनों, एक काम करो दोनों अदालत खोल लो और दोनों मिलके ना बहस करना, बहुत चलेगा। हाँ, उसमें करना ये सवाल जवाब जो भी करना है तुम्हें। आइडिया बुरा नहीं है भैया, जीतूंगी तो मैं ही। हाँ जीतोगी, लेकिन नीचे से फर्स्ट। संजय और सविता आखिरकार अपना खाना खत्म करके वहाँ से उठ जाते हैं, पर मीनाक्षी और सोनिया की बहस तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिसके चलते सविता सोनिया और संजय मीनाक्षी के मुंह पर हाथ रखकर उन दोनों का मुंह बंद करवा देते हैं। अब अगर एक भी शब्द तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोला तो नाली का पानी निकाल के दोनों को मुंह पे मारूंगा, फिर बेहोश होके गिरोगी ना तो तुम जानना। संजय की बात सुनकर सोनिया और मीनाक्षी दोनों ही अपने कमरे में चली जाती हैं और बहस के चक्कर में दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। घर में तो ननंद भाभी की बहस चल ही रही थी, लेकिन अब बाहर भी उनका यही हाल हो चुका था। और ऐसे एक दिन दोनों बाजार में सब्जियां खरीद रही होती है और तभी सोनिया सब्जी वाले से बोलती है, अरे भैया ये टमाटर कितने के दिए हैं? ज्यादा नहीं, 60 रुपए किलो है। अच्छा 1 किलो पैक कर दो। अरे मैडम जी अभी देते हैं।
ये लीजिए। अरे भाभी क्या कर रही हो, आपको मोल भाव भी नहीं करना आता। 60 रुपए किलो टमाटर नहीं, 30 रुपए किलो टमाटर मिलता है। अरे मैडम जी, बारिशों के मौसम में टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, आपको पता नहीं है क्या? पता तो मुझे भी सब कुछ है, लेकिन आप चुप रहिए, जरा मुझे मेरी भाभी से बात करने दीजिए। मीनाक्षी, तुम कौन सा रोज रोज सब्जियां लेने आती हो? मैं आती हूँ ना, तो मुझे पता है टमाटर 60 रुपए किलो ही चल रहे हैं। अगर सब्जी वाला 1000 रुपए किलो बोल देगा, आप तो वो भी ले लोगे। तुम्हें मैं थोड़ी सी पागल नजर आती हूँ क्या, जो 1000 रुपए किलो के टमाटर खरीद लूं? अगर समझदार होती तो 60 रुपए किलो टमाटर नहीं खरीदती आप। देखो मीनाक्षी, तुम मुझसे बहस मत करो, और भी काफी सारी सब्जियां लेनी है अभी मुझे। जिस हिसाब से आप सब्जी ले रहे हो, मुझे तो लग रहा है सब्जी आ भी नहीं पाएगी। अरे मैडम जी, बहस वह जो भी करना है घर जाके करना, अभी मेरे पैसे दे दो, धंधे का समय। सोनिया अपने पर्स से निकाल कर सब्जी वाले को पैसे दे देती है, जिसके बाद दोनों ननद भाभी बिना सब्जी लिए बहस करती हुई घर चली आती है, जहां सविता उन दोनों को देखकर बोलती है, सब्जी कहाँ है? अरे माँ जी, आपकी बेटी सब्जी लेने दे, तब तो लूंगी ना मैं सब्जियाँ। मैंने क्या किया, मैंने तो सही बोला था, एकदम बाजार में। तुम दोनों बाजार में फिर से बहस करके आ गई होगी। बाजार में क्या माँ जी, आपकी बेटी तो पूरे रास्ते मुझसे बहस करती हुई आई है। बहस करने वाले काम करोगे तो बहस ही करूंगी ना, पूजा तो करूंगी नहीं आपकी। अरे तुम मुझे बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? सविता की बात सुनने के बाद मीनाक्षी बाजार में हुई बात अपनी माँ को बताती है, जिस पर सविता बोलती है, मीनाक्षी तू पागल है क्या, तेरी भाभी का हर दिन बाजार आना जाना रहता है, उसे सब पता है कि कैसे क्या चलता है। अरे कब छोड़ोगी तुम दोनों लड़ना और ये बकवास करना? अब मैं क्या करूँगी, अब तो टमाटर की चटनी ही बनानी पड़ेगी। मुझे क्या कह रही हो, अपनी बेटी से कहिए ना जो कहना है, इसी की वजह से सब्जी नहीं ले पाई मैं। मेरी वजह से नहीं आई है, आपकी हरकतों से आई है। बस अब बहुत हो गया, मैं तुम दोनों के मुँह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। आज से सोनिया तुम मीनाक्षी से बात नहीं करेगी, और मीनाक्षी तुम सोनिया से बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम दोनों को बात करते देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता की बात सुनकर मीनाक्षी और सोनिया दोनों ही चुप हो जाती हैं और अपने अपने कमरों में चली जाती है। अब सविता के कहे अनुसार दोनों ननद भाभी आपस में बोलचाल बंद ही कर देती है, जिस वजह से घर में भी काफी शांति बनी रहती। पर दोनों ननद भाभी का आपस में बिना खटपट किए और बिना बहस किए मन नहीं लगता। दोनों आमने सामने एक दूसरे को निहारती रही, पर बात नहीं करती। ऐसे एक दिन सोनिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसी वक्त मीनाक्षी भागकर अपनी भाभी के पास आती है और उसे उठाकर उसकी मदद करती है और उसे सोफे पर बैठा देती है। भाभी आप ठीक तो है ना? अरे बड़ी जोर से लग गई है, मेरा पैर तो सीधा ही नहीं हो रहा है। लगता है आपके पैर में मोच आ गई। भाभी आप यहीं रुको, मैं मूव लेके आती हूँ। मीनाक्षी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और अपनी भाभी के पैर पर मूव लगाकर पट्टी बांध देती है। तभी सोनिया उससे बोलती है, थैंक यू मीनाक्षी, तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं भाभी, वैसे इतने दिनों से हम दोनों ने आपस में बात नहीं की, क्या तुम्हारा मन लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया है। सही कह रही हूँ, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। वैसे एक बात तो है, हम दोनों में कितने भी बहस हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हाँ ये तो है भाभी, आज कितने दिनों बाद आपसे बात करके बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्यों ना हम फिर से एक बार दोस्ती कर ले, और अब से हम दोनों बिल्कुल भी बहस नहीं करेंगे और मिल बांट कर सारा काम करेंगे, वो भी खुशी खुशी। इस तरह सोनिया और मीनाक्षी में फिर से बोलचाल शुरू हो जाती है और उन दोनों की सारी बातें छुपकर संजय और सविता सुन रहे होते हैं। सोनिया और मीनाक्षी के इस फैसले से दोनों बहुत ही खुश थे और अब घर में खुशी का माहौल बनने लगा था, क्योंकि अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बहस नहीं किया करता था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।